नमाज को नहीं रोका गया, सिर्फ इकट्ठा होने को रोका गया। अब ये तो बात निकल के आ रही है कि हम अपने ईदगाह में रखना चाहते हैं नमाज, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के सदर के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसने पहले नमाज का जो बोला गया तो नमाज के ऊपर उन्होंने मुझे बताया कि भाई सार्वजनिक उस पर हम नहीं कर सकते, इसके ऊपर हमने भी मतलब जब बात की बुरा साहब से, मेरी सवेरे भी बात की हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा कि आप मीटिंग में जाएंगे वहाँ सारों के जो भी पॉइंट आते हैं वो करें, उसमें क्या सुझाव आते हैं ये हमको आप वो बताएं सामने, हम भी अपनी पार्टी की तरफ से ये राय पर सीएम साहब तक पहुँचाएंगे, क्योंकि नमाज के नमाज को नहीं रोका गया है, सिर्फ इकट्ठा होने को रोका गया है। अब ये तो बात निकल के आ रही है कि हम अपने ईदगाह में रखना चाहते हैं नमाज, इसके ऊपर अभी हम पार्टी की तरफ से आगे उसमें होगा। दूसरी बात आई बाजार, तो बाजार का उन्होंने जो कई लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन का, उसमें एक मुद्दा और दिया है कि दो ध्वनि से हम अभी इतने कई सालों में देख रहे हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर भी कई बार लोग जानवर खरीद रहे थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ आप ऑनलाइन जाके अमेजोन के जैसा जानवर खरीदे, उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप के ऊपर उसमें भी आजकल बकरे आते हैं जो ये बकरा इतने का ये बकरा इतने का, ये टालने के लिए उन्होंने वो एक ऑप्शन दिया है। अब ये जो हम यार इस वक्त यहाँ बात निकल के आई कि हमको बाजार चाहिए यार, ये बात हम लोग भी चल के ऊपर वहाँ पे रखेंगे, इसके साथ बहुत सारा तो हम इस तरीके से भी टाल सकते हैं, जैसे मैंने खुद ने अभी 3 बकरे खरीदे लेकिन हमने व्हाट्सएप के ऊपर ही उसका वो सारा वीडियो और ये देखे ताकि जितना हो सके अवॉइड कर सके, तो हमें से जो अवॉइड कर सकता है वो उसको अवॉइड करे, जिसको लग रहा है कि नहीं है तो वो बात हम उसके लिए रखेंगे गवर्नमेंट के पास चलती है, तो वो हमको ये आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तीसरी बात रही सिम्बॉलिक जिस पे काफी हद तक चर्चा हो रही है कि प्रतीकात्मक क्या चीज है, हमारी भी पार्टी की तरफ से ये बात हो चुकी कि सिम्बॉलिक ईद नहीं की जा सकती, सीएम साहब ने ये बात उनकी तरफ से डाली है ठीक है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप बकरा ऑनलाइन खरीदें या उसको व्हाट्सएप और उसके दूरध्वनि के थ्रू खरीदें तो सिम्बॉलिक का उसमें थोड़ा सा वो असर जो है वो कम हो जाता है, जो लोग सोच रहे हैं कि सिम्बॉलिक ही करना है। तीसरी चीज उन्होंने ये कहा है उसके अंदर जो रश ना है वो जैसे हम चंपा चौक पे और इसके आस पास देखते आए उसको अपने को अवॉइड करना है। चौथी चीज उन्होंने कहा कि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो भी ऑर्डर है पार्टी से ये उसको माने और कैंटोनमेंट जोन का एक कहा कि वहाँ कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है ये एक हद तक ये भी सही है कि कैंटोनमेंट जोन में ऑलरेडी कोरोना का असर जहाँ ज्यादा है जो डिक्लेयर्ड है जोन तो वहाँ होना नहीं चाहिए। कंटेनमेंट जोन के ताल्लुक से आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर इस बात के ऊपर बड़ा ये किया गया है कि किसी एक घर के अंदर अगर कोई पॉजिटिव केस अगर निकल रहा है आप जो पूरी गली बंद कर दे रहे हैं वो मतलब कहीं का भी प्रोटोकॉल ये इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि पॉजिटिव निकलता है ही मतलब टीना लेके आ जा रहे पुलिस वाले आ जा रहे ये गली से वो गली तक पूरा तो उसके लिए है तो नहीं, अभी उसके ऊपर बड़ा विवाद चला और तमाम जितने भी लोग प्रतिनिधि है एमएलए है इन्होंने सबने इस बात का ये किया है कि अगर कहीं पॉजिटिव निकल रहा है तो पास पड़ोस के आप दो घरों को आप समझ लीजिएगा, उसके सामने वाले घर का आप ये समझ लीजिए, लेकिन पूरी गली बंद कर फ्लोर को दे दिया हाँ एक फ्लोर को दिया यहाँ पे अपनी मर्जी के कल इंशाल्लाह हम लोग मीटिंग के अंदर सब चलते हैं, जो भी इत्तेफाक राय बनी है उसका एक हम मेमोरेंडम तैयार कर लेते हैं, उस मेमोरेंडम को हमारी तरफ से एक अलग जाएगा लेकिन हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों की तरफ से एक सेपरेट मेमोरेंडम जिसके अंदर जो है आपकी तरफ से हमारे साथियों की जाएगी।